जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का ही आता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इन्वेस्ट मैंगो और आज हम आए हैं आपके लिए एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर जो आपके सारे सपनों को साकार कर सकता है। सो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं कि एस वाई एक्सपी कमर्शियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि एस ग्रुप लेकर आया है आपके लिए। और इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे। We are here to explore a high street retail masterpiece, a commercial heaven that's set to redefine luxury and sophistication. This is not just a project, it's a vision of opulence. So, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं ACE Group. In the world of real estate, ACE Group stands as the most successful developers in North India. ACE Group का ये प्रोजेक्ट पूरे 3.95 एकड़ में स्प्रेड है। YXP is a meticulously planned project with a plethora of offerings. Future को ध्यान में रखते हुए आपके लिए YXP में इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन डील हो सकती है। YXP सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे इज एन अपकमिंग कमर्शियल डेवलपमेंट बीइंग डेवलप्ड इन अ प्राइम लोकेलिटी ऑफ नोएडा। इट इज अ लाइफस्टाइल सेंटर दैट हैज बीन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे spanning over a total land area of 3.95 acres. This commercial development combines high street retail spaces, gaming zones, a banquet hall, open-air dining, a multiplex and studio apartments across four floors. Is pure project mein almost 542 shops available hone wali hain and the sizes of the shops vary from 500 square feet to 800 square feet. अगर आप यहां से जेवर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूं, आप देख सकते हैं कि मेरे साइड में YXP प्रोजेक्ट है और इसी लोकेशन से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट आपको मिल जाएगा एंड इज ऑल्सो सीमलेसली कनेक्टेड टू आगरा वृंदावन एंड द इंडस्ट्रियल सेटअप हैपनिंग अराउंड यमुना एक्सप्रेसवे मेकिंग इट अ हॉटस्पॉट फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग लॉन्ग टर्म गेन। एक और खास बात, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी अच्छी है कि अगर यहाँ से जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से अगर आप नोएडा वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से इसी रोड से ट्रैवल करके आप सीधा 30 मिनट में नोएडा पहुंच जाएंगे। मेजर डेवलपमेंट्स जो इस प्रोजेक्ट के पास है वो है अपकमिंग फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। दिस इज सराउंडेड बाय द चार्म ऑफ ओरिस ग्रीन बेस ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड आपके लिए एशियाज बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब हेल्थ पार्क्स, ग्रीन पार्क्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट अवेलेबल है। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर जो कि सिर्फ 40 मिनट के डिस्टेंस पर है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि सिर्फ 3 मिनट के डिस्टेंस पर है। अपकमिंग डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें, अपकमिंग ओलंपिक सिटी जो कि सिर्फ 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, अपकमिंग फिल्म सिटी जो कि सिर्फ 12 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, इंडियाज नेक्स्ट टेक हब जो कि सिर्फ 14 मिनट के डिस्टेंस पर है, एजुकेशन हब्स लाइक गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ 7 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाइक अपोलो क्रैडल एंड चिल्ड्रन एंड अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल जो कि सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, आम्रपाली हॉस्पिटल जो कि सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 30 मिनट के डिस्टेंस पर है, और फेलिक्स हॉस्पिटल जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के डिस्टेंस पर है। एज ग्रुप के इस शानदार कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाली है टॉप क्लास एमिनिटीज, ऑडिटोरियम्स, गेम जोन्स, हाई स्पीड एलिवेटर्स,
रिजर्व पार्किंग, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, इंडोर स्पोर्ट्स रूम, बैंकेट्स, रेस्टोरेंट्स और भी बहुत कुछ। For more information related to this project, you can directly contact us on the given number. So, दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही. Next वीडियो में फिर लेकर आऊंगी किसी amazing project की जानकारी. Till then, bye bye, take care and keep watching us.